Hello, BCom students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture, lecture number 3, okay, of joint venture. So अब तक joint venture के मैंने दो lecture upload किए हैं in English medium, also in Gujarati medium. तो Gujarati medium का अगर कोई आपका student हो तो please उनसे भी share करिए मेरा ये channel. उनको इसी में Gujarati के भी videos मिल जाएंगे. And अब बात करते हैं अपनी. तो लेक्चर नंबर 1 मैंने इंट्रोडक्शन समझाया हुआ है बहुत अच्छे से. तो अगर आप डायरेक्टली इधर आ रहे हो और आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज मेरा लेक्चर नंबर 1 आप प्लीज जरूर देख लीजिए. उसके बाद कोई भी जॉइंट वेंचर अगर आप उठाओगे तो आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्लियर? तो आज हम करने वाले सम नंबर 39 और ये लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 3. और लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक 7 सम नंबर 40 करवाया था. हाँ, सम नंबर 40 करवाया था मैंने. तो आज मैं आपको सम नंबर 39 करवा रहा हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब विदाउट टाइम वेस्ट. और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिए. क्लियर? और एनी डाउट, कोई भी डाउट आपको माइंड में आता है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आती, ये सम नहीं कोई भी सम, ओके, सेम 1 से लेकर सेम 6 तक जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती है तो आप मुझे 9725714 इस पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. लेकिन मैं आपको क्वेरी का आंसर तब दूंगा जब आपका सॉल्यूशन का पिक फोटो मुझे उसमें दिखेगा. ओके, आपको क्वेश्चन का फोटो भी मुझे भेजना पड़ेगा, आपको जो भी क्वेरी है उसका भी फोटो मुझे भेजना पड़ेगा. ये काफी बार क्या रहता है कि मेरे पास हर इन हैंड बुक नहीं होती है तो मुझे बुक ढूंढनी पड़ेगी ना, तो इसलिए क्वेश्चन का भी फोटो आप दे दो तो आपको इंस्टेंट आंसर जल्दी मिलेगा. तो चलिए अब विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 39. तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं क्या दिया हुआ है. तो फ्रॉम 1/4/2018 एक्स वाई जेड एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या था, 50%, 30% and 20%. और उन्होंने टोटल 12 लाख रुपीज डिपॉजिट किए हैं जॉइंट बैंक अकाउंट में जो हम इनके पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और फॉलोइंग एक्सपेंसेस है वो जॉइंट बैंक अकाउंट से हुए. देखो अब तक जो लेक्चर किया उसमें ऐसा था कि कुछ खर्चे पार्टनर्स कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये सारा खर्चा कौन कर रहा है, जॉइंट बैंक कर रहा है. लेकिन फॉलोइंग खर्चा जो है ये एक्स वाई जेड वाला ये पार्टनर कर रहे हैं 48, 96, 12. तो जब सम कराऊंगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूंगा. फिलहाल आप समझ लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. उसके बाद 11,90,000 हमको बैंक ड्राफ्ट मिला है जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर हम गिने हैं तो वो 85% है. मतलब बाकी 15% हमको इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड मिले हैं जिसको 10,000 डिस्काउंट करने के बाद पार्टनर्स लेके गए घर पे अपने प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में, ठीक है. तो बस सम करेंगे तब हम बताएंगे. उसके बाद वाई एक्स जेड जो ये स्टॉक तो भी थोड़ा सा बचा होगा वो अपने अपने इस हिसाब से लेके गए, उसका डिटेल दिया है तो उसका भी एंट्री देख लेंगे. बनाना क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी पॉइंट, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना, सॉरी जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बनाने और इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट हमको बनाना है. क्लियर? तो मैंने यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाकर रखा है, बैंक अकाउंट भी बनाकर रखा है, कैपिटल अकाउंट भी बनाकर रखा है और इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट भी बनाकर रखा है. क्लियर? तो चलिए सम की शुरुआत करते हैं. और सम की शुरुआत कहाँ से करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल को बैलेंस जो है वो हम लेके आते हैं. तो किस तरह से लेके आए हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट. तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल कैपिटल वो कितना लेके आ रहे हैं, 12 लाख रुपया लेके आ रहे हैं और हमको 50%, 30% और 20% के रेशियो में डालना है. तो 12 लाख का 50% कितना होता है, 6 लाख रुपए. तो 6 लाख एक्स लाया और 12 लाख का 30% कितना होता है, 3,60,000. ये वाई लेके आया और 20% 12 लाख का कितना रहेगा, 2,40,000. वो कितना लाया, जेड कितना लाया, 2,40,000 लाया. अब ये कैश लेके आया, ठीक है ना, बैंक में. तो बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट
जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। तो वाई कितना, एक्स कितना ला रहा है 6 लाख, और वाई कितना ला रहा है 3,60,000, और जेड कितना ला रहा है 2,40,000। तो टोटल हमारा कितना आ जाता है 12 लाख रुपया। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद हमें सेकंड जो एंट्री करनी होती है, और जो भी खर्चे होते हैं उसकी करनी होती है। तो ये सारे खर्चे बैंक से हुए हैं पेमेंट, तो हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या करेंगे, सबसे पहले खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, और जिससे पे हुए अगर पार्टनर से होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, और अगर बैंक से हुए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 ज्वाइंट बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्या दिया इन्होंने, मटेरियल लेबर, मटेरियल लेबर 3,40 और 3,10, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रेंट और प्रिंटिंग। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रेंट और प्रिंटिंग, तो एडवर्टाइजमेंट 10, रेंट 24 और प्रिंटिंग 8, तो 10,000, 24,000 और 8,000। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाता है, 3,40,000 प्लस 3,10,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 8,000, तो टोटल 6,92,000 का खर्चा बैंक से पेमेंट हुआ है। तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे, अब हम क्रेडिट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, और यहाँ पे कोई भी बाइफरकेशन देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट 6,92,000 यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। जो बाइफरकेशन मुझे देनी थी वो मैंने जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड दे दी है, क्लियर। तो ये सारे खर्चों की एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, क्लियर, तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होंगे, क्योंकि पार्टनर्स क्या रहता है, ये देखो फर्म के लिए लेके आ रहे हैं, क्लियर। तो फर्म का तो खर्चा है, तो फर्म का जो भी खर्चा होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो डेबिट होना है, वो तो क्लियर है। अब बात आती है क्रेडिट क्या करना है। तो बैंक से अगर पेमेंट होता है तो जैसे अभी हमने बैंक को क्रेडिट किया वैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे पार्टनर लेके आ रहे तो हमको तो पार्टनर को देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पार्टनर का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू एक्सपेंस अकाउंट एक्स कैपिटल, और वो क्या लेके आ रहा है लैपटॉप, वाई कैपिटल, और वो क्या लेके आ रहा है व्हीकल, जेड कैपिटल, और वो क्या लेके आ रहा है इंश्योरेंस, लैपटॉप व्हीकल इंश्योरेंस 48,96 और 12, 48,000 लैपटॉप का कीमत है, 96,000 व्हीकल का कीमत है, और 12,000 इंश्योरेंस का कीमत है, क्लियर। तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में हम लेके जाएंगे, और उनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब तीनों को अलग अलग लिखना है, ठीक है। लैपटॉप एक्स का कितना आ गया 48,000, मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ 96,000, और ये 12,000। 96,000 क्या था व्हीकल, और 12,000 क्या था इंश्योरेंस। ओके तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको अच्छे से बाइफरकेशन देनी है, क्योंकि तीनों के अकाउंट हम एक साथ बना रहे हैं, तो हमको तो भी देना पड़ेगा कि वो किस किस चीज का है। अब हमारे एक्सपेंसेस भी हो गए, पार्टनर्स ने जो खर्चा किया वो भी हो गया। अब हम चलते हैं, जो भी हमारा सेल हुआ है तो 11,90,000 इन कैश मिला है, सबसे पहले उसकी एंट्री करते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ओके, और ये क्या हो गया सेल, 85% का कितना हो गया 11,90,000, और बाकी जो हमें मिला ना, बाकी हमें मिला 85%, वो कहाँ लेके जाएंगे, बाय इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, क्योंकि हमको कैश थोड़ी मिला है। सेल करेंगे
कितना हुआ ये हमारा 15%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो कि 11,90,000 है, 11,90,000 है वो 85 है, तो 15 कितना हुआ, तो इंटू 15 सॉरी इंटू 11,90,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 85 तो 2.1 मतलब 2,10,000, 2,10,000 इंडियन गवर्नमेंट बैंक से और इंडियन गवर्नमेंट बोन हमें मिले। तो अब इन दोनों की एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले 11,90,000 हमको बैंक से मिले, ओके, तो हम बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट सेल 11,90,000 और बाकी इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड मिला है ना हमें, तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड से हम क्या करेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर सेल कितना, 2,10,000, ठीक है। तो 2,10,000 इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट जो है डेबिट करेंगे और बाकी का 11,90,000 हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब बाकी इन्होंने क्या बोला कि 10,000 डिस्काउंट करने के बाद पार्टनर्स को अपने पीएनएल रेशियो में लेके गए, तो कैसे करेंगे, देखो डिस्काउंट का पॉइंट मतलब क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो जो भी खर्चा होगा हम तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या करना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का अलग से खाता बना कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड 10,000 डेबिट करूंगा, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट में जाता हूँ और मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय, अच्छा मेरे को वहां पे लिखना था थोड़ा बहुत, क्या लिखना था, डिस्काउंट है, वो क्या है डिस्काउंट, तो ये लिखना जरूरी है। और इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड में हम क्या लिखेंगे, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और इधर क्या लिखूंगा, डिस्काउंट कितना, 10,000 रुपये। तो अब बैलेंस कितना बचा, अब बैलेंस कितना बचा, 2,00,000 रुपया बचा। अब 2,00,000 ये पार्टनर्स अपने रेशियो में लेके जाएंगे और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल बाय जेड कैपिटल, कितना कितना परसेंट होता है, 50%, 30% और 20%। तो 2,00,000 का 50% मतलब कितना हो गया, 1,00,000 और 2,00,000 का 30% कितना हो गया, 60,000 और 2,00,000 का 20% कितना हो गया, 40,000। तो पार्टनर्स ये बॉन्ड लेके चले गए, तो पार्टनर्स का अकाउंट हम क्या करते हैं, जब भी पार्टनर्स लेके आएगा तो हम उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमको उसको देना है। पार्टनर्स कुछ भी लेके जाएगा तो हमको उसका अकाउंट क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है क्योंकि हमको उससे लेने का बनता है। तो टू इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट, क्योंकि ये एंट्री कहाँ से आई, वहां से आई, तो एक्स के अकाउंट में 1,00,000 रुपया, वाई के अकाउंट में 60,000 रुपीज और जेड के अकाउंट में 40,000 रुपीज, क्लियर। तो बॉन्ड की एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद ये जो तीनों पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे कि वाई लैपटॉप लेके गया, एक्स एक्सेस मटेरियल लेके गया और जेड व्हीकल लेके गया, उसकी एंट्री करनी चाहिए। जब भी पार्टनर स्टॉक लेके जाता है या कोई भी आइटम लेके जाता है वो जो ज्वाइंट वेंचर में पड़ी थी, जैसे लैपटॉप या व्हीकल, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय वाइस कैपिटल अकाउंट और वो क्या लेके जा रहा है, लैपटॉप लेके जा रहा है, तो लैपटॉप लेके जाएगा। लैपटॉप का वैल्यू कितना था देख लेते हैं, लैपटॉप कौन लाया था वो हमें मतलब नहीं है, पहले एक्स लाया था और वाई लेके जा रहा है, कोई मतलब नहीं। लैपटॉप की वैल्यू थी 48,000 और वो 20% लेस कीमत पे लेके जा रहा है, तो 48,000 का 20% कितना होता है, 9,600, मतलब 9,600 लेस लेके जा रहा है, तो टोटल लैपटॉप की कीमत कितनी आती है, 38,400। तो उतने से हम ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर का अकाउंट डेबिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू जेवी अकाउंट मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लैपटॉप और वैल्यू कितना आएगा, 38,400, क्लियर। अच्छा वाई लेके जा रहा है तो हम यहाँ पे वाई के अकाउंट को करना है 38,400। उसके बाद एक्स है वो 20,000 का मटेरियल लेके जा रहा है, तो सबसे पहले हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्या करेंगे, बाय क्रेडिट करेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मटेरियल
कितने का? 20,000। और मैं जेड का भी लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, फिर एक साथ कर लेते हैं। जेड कैपिटल, और वो क्या लेके जा रहा है? व्हीकल। व्हीकल की वैल्यू कितनी थी पहले वो देख लेते हैं, 96,000 थी। और वो 60% लेस नहीं बोल रहा, ठीक है, 60% प्राइस पे लेके जा रहा है ऐसा बोल रहा है। तो 96,000 का 60% निकाल दीजिए, तो 57,600 का जेड लेके जाएगा व्हीकल। तो जेड का अकाउंट हम 57,600 से और एक्स का 20,000 से डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे टू जेबी अकाउंट मटेरियल और टू जेबी अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हीकल। क्लियर? तो ये इनके अकाउंट हो गए क्रेडिट, और हमारी सारी पॉइंट भी हो जाती है कवर। अब हम करेंगे अकाउंट को टेली और निकालेंगे सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का प्रॉफिट। तो सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 11,90,000 प्लस 2,10,000 बॉन्ड के, प्लस 38,400 प्लस 20,000 प्लस 57,600, तो टोटल 15,16,000 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आता है ज्वाइंट वेंचर का। अब देखते हैं कितना बैलेंस बचता है, वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो 15,16 माइनस 6,92,000 माइनस 48,000 माइनस 96,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000, तो 6,58,000 हमारा क्या बचा? वो हमारा प्रॉफिट। और ये हम 50%, 30% और 20% डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको? पार्टनर्स को। ये हो जाएगा 2x कैपिटल वाइज कैपिटल, और ये हो जाएगा जेड कैपिटल। 6,58,000 का 50% कितना आएगा? 3,29,000। और 6,58,000 का 30% कितना रहेगा? 1,97,400। और 6,58,000 का 20% कितना रहेगा? 1,31,600। तो ये टोटल प्रॉफिट हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे बाय जेवी अकाउंट, मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, प्रॉफिट। तो एक्स का प्रॉफिट कितना था? 3,29,000। वाई का कितना प्रॉफिट था? 1,97,400। और जेड का था 1,31,600। तो ये हमारे टोटल बैलेंसेस। अब हम टैली करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लेके जाएंगे बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। क्लियर? तो एक्स का टोटल कर लेते हैं पहले। तो एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल आता है 6,00,000 प्लस 48,000 प्लस 3,29,000, तो 9,77,000। इसी तरह से वाई का टोटल करेंगे तो कितना आता है देखते हैं, 3,60,000 प्लस 96,000 प्लस 1,97,400, तो 6,53,400। और जेड का टोटल करेंगे तो 2,40,000 प्लस 12,000 प्लस 1,31,600, मतलब 3,83,600। तो यही टोटल हम यहाँ पे लिख देते हैं, 9,77,653,400 और 3,83,600। यहां से माइनस करेंगे हम डेबिट साइड के बैलेंस पार्टनर के, तो जेड का लिखा हुआ था तो मैं सेट कर लेता हूँ पहले, 40,000। 2,86,000 हमारा जेड का बैलेंस बचा जो हम बैंक अकाउंट से उसको पे कर देंगे। और 6,53,400 माइनस 60,000 माइनस 38,400, तो 5,55,000 वाई का प्रॉफिट बचा, सॉरी वाई का बैलेंस बचा वो हमें उसे देना है। 9,77,000 माइनस 1,00,000 माइनस 20,000, तो 8,57,000 हमारा एक्स का प्रॉफिट बचा, ओ सॉरी एक्स का बैलेंस बचा। अब हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट में उनको पे कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल
एक्स वाई जेड, एक्स का बैलेंस कितना था 8,57,000, वाई का था 5,55,000, जेड का था 2,86,000। क्लियर? तो टोटल इनका कितना आता है, टोटल देख लेते हैं, 8,57,000 प्लस 5,55,000 प्लस 2,86,000, तो 6,89,98,000। अब हम करेंगे टोटल ज्वाइंट बैंक अकाउंट का जो हमारा मैच होना चाहिए। तो पहले क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, तो 23,90,000 और 12 और 11 90 भी हमारा क्या होता है 23,90,000। तो अभी अकाउंट में हम देख लेते हैं हमारा आंसर प्रॉफिट ज्वाइंट वेंचर 658 था, करेक्ट है। एक्स को इतना मिल रहा है 875, वाई को 555, जेड को 286 और ज्वाइंट वेंचर का 1,516, ज्वाइंट बैंक अकाउंट का 2,390 का टोटल है। तो हमारा आंसर भी मैच हो चुका है। तो इसी तरह से हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड सम नंबर 39 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए।